focuses on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech. Permission नहीं चाहिए। आप वेबसाइट से देखिए, आप फुलफिल कीजिए, पांच साल तक आप मेडिकल स्टूडेंट रखिए, सीट की बढ़ा कितनी रखनी है वो भी आप डिसाइड कीजिए, 100 रखनी है, 150। एक मेडिकल कॉलेज धनंजय भाई ने शुरू किया डॉक्टर विनय अग्रवाल के साथ, पांच साल तक उन्होंने मेडिकल स्टूडेंट्स को एडमिट किया, पैसे लिए उनसे, और पांच साल के बाद उसका जो इंस्पेक्शन हुआ उसमें लगा कि आप फुलफिल नहीं करते, आप पे फाइन लगेगा, फाइन आप पे 2 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में लगेगा, 2 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। आर्बिट्रेशन कौन करेगा? मेडिकल कमीशन करेगा। तो अगर मुझे ये पक्का पता है कि मैं धनंजय भाई और मैं मिलके डॉक्टर आर एन टंडन को पैसे खिला के वो 5 करोड़ रुपए का फाइन कराऊंगा ना मैं, क्यों 100 करोड़ का कराऊंगा? तो सीधा सीधा मैंने तो इतने सारे करोड़ रुपया इकट्ठा किया मेडिकल कॉलेज के नाम पे, 5 साल बेवकूफ बनाया मेडिकल स्टूडेंट्स को, उसके बाद हट गए तो हट गए, पैसे इकट्ठे किए। दिस इज ए कंपोनेंट ऑफ दिस बिल विच इज द मोस्ट डेंजरस कंपोनेंट। Why should a independent regulatory body should be given a leverage to decide the quantum of punishment in the same kind of a crime? उन्होंने 3 states को मेजर बोल दिया, तीनों ने अपोज किया, बंगाल ओपनली अपोज कर रहा है, कांग्रेस स्टेट्स कर्नाटका वगैरह सब अपोज करेंगे। अब क्योंकि पीएमओ ऑफिस से बिल है तो कुछ स्टेट जो बेचारी वैसे घबरा रही है, चलाने में दिक्कत हो रही है, वो इसको इसमें अपना सिर नहीं लगा दी, लेकिन महाराष्ट्र ने अपोज किया, पावरफुल स्टेट है बीजेपी के लिए। सर एमसीआई में इंजीनियरिंग कॉलेजेस का हाल देखिए, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो रहे हैं, सो मच अनएम्प्लॉयमेंट। मेडिकल कॉलेज को सरकार उसी पटल पे लाना चाहती है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनको आप मेडिकल कॉलेजेस बनाए बहुत अच्छा है। आपको टीचर्स, आपके पास टीचर्स नहीं है, आप उस कॉलेज में बंदे भर देंगे, मेडिकल स्टूडेंट बना देंगे, उसका क्या फायदा होगा? पेशेंट भी नहीं है वहां। यू शुड मेक मोर टीचर्स, यू शुड मेक मोर टीचिंग मटेरियल्स, यू शुड मेक एजुकेशन मोर हाईफाई ओरिएंटेड, टेलीमेडिसिन, इन सब चीजों को आप लाएं। आप देखिए ये बात सच्ची है, कुछ मेडिकल कॉलेजेस गवर्नमेंट के छोड़ दीजिए, अगर आप एक नंबर 1 से 469 नंबर लेंगे तो कम से कम 60 से 70% गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस लास्ट के पार्ट में आएंगे। 10-10, 15-15 साल से आप सोचिए, एमडी रेडियोलॉजी के कोर्सेज कर रहे हैं, सीटी स्कैन नहीं है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, सीटी स्कैन नहीं है और एमडी रेडियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, अब क्या पढ़ा रहे हैं? दैट काइंड ऑफ ए सिचुएशन इज देयर इन गवर्नमेंट। हेल्थ केयर सर्विस पर क्या